नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। बड़ी खबर है, राजद के एक और विधायक कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक फजल रहमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुद विधायक ने यह जानकारी साझा की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज फेसबुक पर लिखा है कि 15 वर्षों के नीतीश सरकार बताए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बीमार क्यों है। ग्राफिक्स में देखिए, बिहार में 86.3% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। बिहार में 70.1 लैब टेक्नीशियन के पद खाली पड़े हैं और नर्सों के 44.7% पद खाली है। लेकिन बिहार सरकार इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद इन रिक्त पदों पर कोई बहाली नहीं करती, ऐसा क्यों? बिहार में मॉनसून की एंट्री के साथ ही पटना समेत पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में रेड और 32 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में रेड अलर्ट है। इन इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन 6 जिलों के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही टर्फ रेखा गुजर रही है, इसी वजह से भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना अब पूरी तरह कोरोना के जद में आ चुका है। पटना के अलग अलग इलाकों में शुक्रवार को 382 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है। शुक्रवार को 382 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद पटना में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,888 हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार अगले महीने हो सकता है। बीजेपी ने कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट के विस्तार में जेडीयू को भी जगह मिल सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी होने के बावजूद जेडीयू अब तक सरकार से बाहर है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से शिवहर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रेवली ठेकेदार की हत्या करने वाली लेडीज डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने ठेकेदार को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ठेकेदार का मर्डर कर दिया था। यह हत्या 4 जुलाई 2019 को हुई थी। प्रतिदिन भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस जुलाई महीने के अंत तक कोरोना अपने चरम पर होगा, लिहाजा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पटना एम्स को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार से झारखंड जाने वाली ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाने की रेलवे से मांग कर डाली। रेलवे ने हेमंत सोरेन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 13 जुलाई से झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनों को बंद करने का आदेश दे दिया है। हार्ट अटैक से पटना एनएमसीएच के अधीक्षक की मौत हो गई। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सीताराम प्रसाद 68 वर्ष के थे, जिन्होंने गया में अंतिम सांस ली। एनएमसीएच के अधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।